सपा सरकार के बाद अब बीजेपी सरकार में भी अफसरों की मिलीभगत के चलते बालू माफिया संशोधित खनन नियमावली की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन होने पर सीधे जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रखी है। इसके बावजूद भी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में बालू माफिया सरकारी अफसरों की मिलीभगत से सीएम के आदेशों को खुला ठेंगा दिखाया जा रहा है। कौशाम्बी जिले के यमुना नदी की तल से उभरी यह तस्वीर बेहद ही हैरान कर देने वाली है। बालू घाटों का यह नजारा भी साफ इशारा कर रहा है कि खनन माफियाओं के आगे सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, या यूं कहे कि के हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा है। स्थानीय मजदूरों का भी खुला आरोप है कि कारोबारियों ने शासन में प्रशासन व्यवस्था को हाईजैक कर रखा है। बालू घाटों पर बड़ी बड़ी मशीनें रातों दिन चल रही है, ऐसे में उन्हें दिन भर कोई काम नहीं मिलता। इतना ही नहीं, नियम व शर्तों के तहत बालू खनन न होने से सरकार राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं इस कारोबार से जुड़े माफिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक एक बालू घाट से प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए की बालू निकासी हो रही है। कौशाम्बी के परिवहन अधिकारी शंकरजीत सिंह के द्वारा हाल ही में परिवहन मंत्रालय को भेजे गए पत्र में जिले के खनन अधिकारी राज रंजन को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है। परिवहन अधिकारी ने भेजे गए पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिले में संचालित सभी बालू खदानों से बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग कराई जा रही है, जिससे करोड़ों की लागत से बनी सड़कें भी जगह जगह पर खराब हो रही है। इसके अलावा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की वजह भी ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन बताया जा रहा है। एआरटीओ शंकर सिंह ने भले ही खुद को बेदाग साबित करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर खनन अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया हो, लेकिन उनकी भी भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। वजह भी साफ है कि रातों दिन सड़कों पर ओवरलोडिंग वाहन फराटे भरते हैं, लेकिन कुछ वाहनों पर कार्रवाई कर एआरटीओ साहब अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। कौशाम्बी जिले के आधा दर्जन से अधिक भूखंडों पर बालू खनन का पट्टा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इन खंडों पर नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, उसमें सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा हो गया है। हालात यह है कि जिले में भारी मशीनों को यमुना की धारा में उतार कर अवैध खनन कराया जा रहा है, और जिले के जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए मीडिया से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। ना मशीन मिलती, मशीन लाद लेती है ट्रैक्टर, हमें कोने पर गाड़ी पाई, सब लेबर भाग गया। जो कहीं तक पाते हमारा पैसा नहीं करेगा, हम क्या हम क्या करेंगे, हमारा पैसा कहाँ से मशीन का निकली। आपको यहाँ पे काम नहीं करना, यहाँ सब आधा लेबर भाग गया, सब हम भागे जा रहे हैं। तब हम चौड़े हैं गली में लाद लेने, हम जा रहा हुआ सब ऐसे बैठ रहा है, नहीं नहीं मिल रही तो क्या करेंगे। भूखन मरी मरी का ही आया, घर का खेती बाड़ी गदयाल बच्चा मरी सब छोड़ दिया थे, यहाँ आश्रम बैठ मिली यहाँ को नहीं मिल रही है। एनजीटी का कोई भी ऑर्डर मतलब ये नहीं कहता है कि रात में आप परिवहन ना कीजिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि माइन प्लान में उनको सेमी मैकेनाइज का अधिकार प्राप्त है, सारे पट्टेधारकों को माइन प्लान के अनुसार ही इसी निर्गत होती है। कौन सी मशीनें का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, मशीन लोडर का एक्सकेवेटर, उसमें जो मशीन वो प्रपोज्ड करते हैं, जो माइन प्लान अप्रूव होता है डायरेक्टर खनन के यहाँ से, जो ईसी में वो अप्रूव रहता है वो यूज़ कर सकते हैं।